Hi, good morning students of class 4. Hope you are all good. Now this is a very important GK chapter, chapter number 14, natural disasters. Right? Natural मतलब जो naturally nature से related होता है, अपने आप होता है. और एक disaster होते हैं man-made. तो वो हमारी गलतियों की वजह से होता है, human beings की वजह से होता है. Disaster मतलब कोई ऐसी event जिससे बहुत ज़्यादा मैन मटेरियल को बहुत ज़्यादा हानि हुई हो, बहुत बहुत नुकसान हुआ हो, बहुत डैमेज हुआ हो, बहुत लोग मरे हों, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड डिज़ास्टर. राइट? तो डिज़ास्टर्स कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड. तो नेचुरल डिज़ास्टर्स आर एक्सट्रीम सडन इवेंट्स कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इंजर पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टीज़. क्या लिखा है कि ये नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली सडन इवेंट्स होते हैं. सडन मतलब अचानक होने वाले, कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंट में जो भी फैक्टर्स हैं, हवा पानी, उनकी वजह से दैट इंजर पीपल, लोग उससे इंजर होते हैं. एंड डैमेज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का डैमेज बहुत होता है. रीड द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स. टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स. यहाँ इन दो पेज पर बेटा कुछ डिजास्टर्स के पिक्चर्स बने हुए हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन क्या है ये. हमने हो सकता है इनमें से कोई भी फेस नहीं किया हो, कोई भी देखा भी नहीं हो. अच्छी बात है, हम क्यों इनको फेस करें, बट हमको इनकी नॉलेज होनी चाहिए. ओके? अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस. जो अर्थ की सर्फेस है, हमारी जो धरती है, वो सडनली बहुत तेज हिलती है. ट्रेमर्स आते हैं, बहुत तेज झटके आते हैं. राइट? अब हल्के फुल्के झटके आते हैं ना, जब तो वो और नॉर्मल हो जाता है, तब तो हमको पता ही नहीं चलता कई बार. लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ एक ग्रेविटी का झटका आता है या तेज इंटेंसिटी का होता है, उस समय तो बिल्डिंग्स का डिज़ास्टर हो जाता है, डैमेज होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं. राइट? जो धरती के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स, वो जो मूवमेंट होता है वहाँ धरती के नीचे, वो शिफ्टिंग जो होती है प्लेट्स की, उसकी वजह से जो शेकिंग होता है अर्थ का, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. व्हाट इज दैट कॉल्ड? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक पानी में भी आता है और अर्थक्वेक अपने को लैंड सरफेस पे भी दिखता है. जब पानी में अर्थक्वेक्स आते हैं तो वो पानी का उछाल ऊपर नीचे होता है. ठीक है? सो दिस इज अ पिक्चर जो अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हो रहा है आपको दिख रहा है यहाँ. ओके? इंडिया में भी कई अर्थक्वेक ऐसे सिस्मिक जोन्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं. जयपुर में कभी कभी अर्थक्वेक आता है जो हल्का फुल्का रहा है. अभी तक इतना कोई बड़ा अर्थक्वेक हम मैंने नहीं देखा. नेक्स्ट इज अ लार्ज मास ऑफ रॉक्स एंड अर्थ. रॉक्स एंड अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी और ये सब, दैट मूव्स डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन और हिल. माउंटेन या हिल पर ऊपर से किसी भी वजह से जब पत्थर गिरते हैं जोर जोर से और मिट्टी गिरती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? लैंड स्लाइड. व्हाट डू यू कॉल? लैंड स्लाइड. अक्सर ये पहाड़ों पर ज़्यादा देखने को मिलता है. अ सडन वायलेंट डिस्चार्ज ऑफ स्टीम, रॉक्स, ऐश, लावा थ्रोन आउट फ्रॉम अ वॉल्केनो. वॉल्केनोज क्या होते हैं? जो धरती के नीचे से बहुत ज़ोर से एक डिस्चार्ज होता है स्टीम का, रॉक्स का, ऐश का, लावा का, तो उसको हम कहते हैं वॉल्केनो. राइट? तो इसको आप क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते ही वॉल्केनो है. आंसर ऑलरेडी लिखा है इसका. सो दिस इज अ वॉल्केनो. वॉल्केनिक इरप्शंस बोलते हैं इनको. ओके? नेक्स्ट, अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन स्लाइड. हमने यहाँ पे अर्थ, रॉक्स और अर्थ की बात करी थी. यहाँ पे मास ऑफ स्नो जब गिरती है या आइस गिरता है, अक्सर ये स्नोई एरियाज में होता है, जो जोर से माउंटेन साइड से गिरते हैं, बहुत तेज इंटेंसिटी से गिरते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एवलांच. व्हाट डू यू कॉल देम? Avalanche, the word is A-V-A-L-A-N-C-H-E, you call it avalanche. Okay, next, an outbreak of a disease that spreads through human population. अभी ये outbreak था एक disease का जो आपने देखा, corona का, जो human population से spread हो रहा था. इसका यहाँ पर answer epidemic है, जो एक करीब एक देश से सीमित रहता है या एक जगह से सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है. बट क्योंकि ये कोरोना जो था ये पूरे वर्ल्ड वाइड था, तो दिस वॉज कॉल्ड पेंडेमिक. वो नाम उसका क्या दे दिया, क्या दिया हमने? पेंडेमिक. एपिडेमिक एक लोकलाइज एरिया में होगा, एक छोटे एरिया में होगा. सो वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट से जब कोई डिजीज ऐसे स्प्रेड होता है तो उसको हम कहते हैं
महामारी बोलते हैं, एपिडेमिक, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स व्हेन देयर इज नो रेन, द लैंड इज एक्सट्रीमली ड्राई एंड क्रॉप्स ड्राई. ये तो एक ऐसा समय जब बारिश नहीं आती है, सब कुछ सूखा हो जाता है, पानी नहीं है पीने को, पेड़ पौधों को, फसलें सूख जाती है. अक्सर ये डेजर्ट्स में होता है जहाँ बारिश नहीं आती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राउट, DROUGHT, ड्राउट. ओके, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना अक्सर डेजर्ट्स में होता है. बहुत सारे वर्ल्ड वाइड एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ड्राउट्स आते रहते हैं. अब जब अकाल पड़ता, अकाल जब होता है तो वहाँ की पॉपुलेशन सफ़र करती है, वहाँ के जानवर सफ़र करते हैं. देर इज़ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग दैट इज़ अटैच टू अ ड्राउट. वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड, हवा तेज चलना और गोल 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 तेज चलना, वायलेंटली चलना, रोटेट करते हुए चलना, जैसे तूफान आते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, सी या. यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है. ये वायलेंट रोटेटिंग ऑफ एयर है और ये है एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट कवर्स एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ यूजली ड्राई. मतलब ये समुंदर के किनारे होता है नॉर्मली, जब समुंदर में पानी का उछाल आता है तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उछल करके आती हैं जो लैंड एरिया को भी कवर करती हैं और सिटी तक अंदर पहुँच जाती हैं, उसको हम बोलते हैं सुनामी. सुनामी, सुनामी का मतलब ही होता है ह्यूज वेव. ओके, सो एंड दिस वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, मैंने इसको मिस किया और इसको, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं कुछ यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं टोर्नाडो. व्हाट डू यू कॉल टोर्नाडो, राइट. और लास्ट, सेकेंड लास्ट है एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव कॉज्ड बाय वायलेंट मूवमेंट्स ऑफ अर्थ अंडर द सी. ओके, देयर इज सम कन्फ्यूजन हियर. ये ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसको हम फ्लड बोलेंगे, पानी बहुत सारा आना, ठीक है, दिस इज फ्लड. एंड ये लार्ज वेव दैट इज कॉज्ड बाय वायलेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ अंडर द सी, दिस विल बी सुनामी. देयर वाज सम कन्फ्यूजन. ओके, तो लार्ज वेव को तो हम सुनामी बोलेंगे, और जब बहुत सारा पानी किसी भी वजह से लैंड एरिया पे आता है जहाँ पे पहले ड्राई था और फिर बहुत पानी आता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लड. उसको हिंदी में आप बोलते हो बाढ़ आना, ठीक है. एंड सुनामी इज लार्ज वेव. लास्ट, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स. अब ना यहाँ पर क्या था, रोटेटिंग कॉलम था, यहाँ पर है वायलेंट स्टॉर्म है, तूफान है, विथ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चलती है और बारिश साथ आती है. सो दिस इज अ हरिकेन. व्हाट डू यू कॉल इट, हरिकेन. सो लेट्स रिवाइज देम बैक. जब अर्थ हिलती है, बहुत तेज शेक होती है, तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक. और हमको बहुत अवेयर रहना चाहिए जब ऐसा कुछ होता है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो हमें बिल्डिंग से भागकर चले जाना चाहिए दूर, या बिल्डिंग के कॉर्नर्स में खड़े हो जाना चाहिए. अगर हम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे तो वहाँ पर हमको फिर कुछ इंजरी हो सकती है. लैंडस्लाइड, जब पहाड़ों से बहुत जोर जोर से पत्थर या मिट्टी कुछ गिरती है तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, और उसकी वजह से रास्ते रुक जाते हैं पहाड़ों पर, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. वॉल्केनिक इरप्शंस, जब धरती से बहुत तेज स्टीम या गैस या रॉक्स ऐश सब निकलता है और बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्केनो. बहुत गर्म अंदर से गैसेस के साथ वो ओवरफ्लो होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्केनो. ये अवलांच है, जब पहाड़ों से बर्फ़ गिरती है, बर्फ के बड़े बड़े रॉक्स गिरते हैं या आइस गिरती है, राइट. कभी कभी जब थोड़ी गर्मी हो जाती है और ये पिघलने लगती है आइस, तो बड़े बड़े जोर से आइस के जो ये रॉक्स होते हैं वो गिरते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अवलांच, राइट. ये मैंने आपको बताया, आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज दैट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज एपिडेमिक, दैट्स इन अ स्मॉलर एरिया. व्हेन इट्स इन अ वर्ल्ड वाइड एरिया वी कॉल्ड इट पेंडेमिक, एज इट इज एज कोरोना पीरियड वॉज देयर. अ लार्ज लॉन्ग पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स वेर देर इज नो रेन, मैंने बताया, जब रेन नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, अनाज नहीं होती है, जानवर मरते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राउट, DROUGHT. दिस इज अ रोटेटिंग कॉलम, रोटेटिंग हवा चल रही है, दिस इज कॉल्ड टोर्नाडो. ये है जब बहुत सारा पानी एक लैंड एरिया पर आ जाता है बहुत स्पीड से, दिस इज कॉल्ड फ्लड. दिस इज अ लार्ज वेव कॉज्ड बाय वायलेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ अंडर द सी. जब सी के नीचे अर्थक्वेक्स आते हैं तो पानी बहुत ऊपर उछलता है, और जब बहुत ऊपर उछलता है तो वो उछलने के साथ साथ
तेज स्पीड से लैंड की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड सुनामी एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। आप अगर पढ़ेंगे तो इंडिया में सुनामी दो चार बार आई हुई है, जिसने पूरे पूरे केरला और कई शहरों को, साउथ के एरियाज को पूरा भिगो दिया, पूरा समर्ज कर दिया पानी से। सो उसमें फिर इतने मंथ्स लग जाते हैं उन लोगों को। हालांकि इसके सब बेटा वार्निंग सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, लोगों को बोल दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है कि आप वहां से हटिए, सुनामी आने वाला है, बट बाय द टाइम द पीपल ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम दैट एरिया, वो इतना तेज पानी आ जाता है दैट कवर्स द एंटायर लैंड एरिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वायलेंट स्टॉर्म विद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, एंड ये तो आते रहते हैं, बहुत तेज हवाएं जब चलती है, विच कम्स अलॉन्ग विद द रेन्स, दैट इज हरिकेन। सो यू लर्न अबाउट देम, रीड अबाउट देम, गूगल देम मोर, ओके, एंड कंप्लीट दिस पेज बेटा, लर्न इट। टिल देन, बाय बाय।